जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और 11th अकाउंटेंसी में हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे बात कर रहे हैं। दोस्तों, एक्सलेंस फैमिली के द्वारा अकाउंटेंसी 12th भी आपको अवेलेबल है। अकाउंटेंसी 12th हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और BST हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है 12th के लिए। तो आप उन चैनल इस चैनल पे उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं जिसको जरूरत है। हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ BRS, जिसमें हम पासबुक के अकॉर्डिंग काम करेंगे। देखिए, अभी हम BRS प्रिपेयर करना कैशबुक के अकॉर्डिंग सीख चुके हैं, अब हम पासबुक के अकॉर्डिंग सीखेंगे। पहले इसमें अंतर जान लेते हैं, कैशबुक और पासबुक के अकॉर्डिंग जब हम बनाते हैं तो इसमें अंतर क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि कैशबुक और पासबुक। कैशबुक शो कर रही है 20,000 बैलेंस और पासबुक भी शो कर रही है 20,000 बैलेंस। कैशबुक बता रही है आपके बैंक में रखा है 20,000, पासबुक भी बता रही है कि आपके बैंक में रखा है 20,000 रुपए। अब आपने एक चेक इशू किया, कितने रुपए का चेक इशू किया? 4,000 का। तो जैसे ही चेक इशू करते हैं हमारी कैशबुक कम हो जाती है, कैशबुक रह गई 16 की, ओके, और पासबुक कितने की हो गई? 20 की। तो अगर मैं कैशबुक लेके चल रहा हूं तो मैं इस बैलेंस को किसके इक्विवेलेंट लाऊंगा? 20 के। तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? 4,000 प्लस करना पड़ेगा। अगर मैं पासबुक लेके चल रहा हूं तो मुझे इस बैलेंस को इसके इक्विवेलेंट लाना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 4,000 यहां से माइनस करना पड़ेगा। तो बस यही अंतर है कि अगर आप कैशबुक लेके चल रहे हो तो कैशबुक में एडजस्टमेंट होगा, कैशबुक को पासबुक के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, और पासबुक लेके चल रहे हो तो पासबुक को कैशबुक के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो देखो, यहां मुझे 4,000 प्लस करने पड़े और यहां मुझे 4,000 माइनस करने पड़े। तो अगर मैं कैशबुक लेके चलता हूं तो जो ट्रीटमेंट होते हैं उनका जस्ट अपोजिट मुझे करना पड़ेगा पासबुक को। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने कुछ एक एग्जांपल लिया है जो मैंने कैशबुक के अकॉर्डिंग जो कर रहे थे अपन, उसमें भी लिया था, सेम ही लिया है ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल को पढ़ते हैं दोस्तों। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ विनोद, मिस्टर विनोद प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31st of March 2017। तो दोस्तों यहां पर 31st of March 2017 को हम BRS बना रहे हैं, इस डेट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। इस डेट का इंपॉर्टेंस मैं कुछ और ट्रांजेक्शन के साथ वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं कुछ जिनको जो टफ लगते हैं लोगों को उन ट्रांजेक्शन के साथ BRS बना दूंगा, ताकि आपको BRS में ये डेट का महत्व इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए। पहला ट्रांजेक्शन है दोस्तों, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ₹50,000। तो सबसे पहली मैं बात अगर करूं तो मुझे सबसे पहले तो चाहिए कि ये प्लस वाली साइड है हमारी और ये हमारी है माइनस वाली, ओके, ये वाली, ये हमारी प्लस वाली साइड है, ये माइनस वाली। जब भी हम शुरुआत की लाइन लिखें बैंक बैलेंस एज पर, ये किसके अकॉर्डिंग है? पासबुक। तो ये शुरुआत वाली लाइन इस पर डिपेंड करती है कि आप बैंक बैलेंस लेके चल रहे हो बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आप बैंक बैलेंस लेके चल रहे हो तो आपको प्लस में लिखना है, ओवरड्राफ्ट लेके चल रहे हो तो माइनस में। यहां पासबुक लेके चल रहे हो कैशबुक लेके चल रहे हो ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता। बैंक बैलेंस है तो प्लस में, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में। यहां बैलेंस है 50,000, ओके। अब ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। पहला, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000। जब आप ट्रांजेक्शन शुरू करोगे तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आप पासबुक लेके चल रहे हो कैशबुक। अभी हम पासबुक लेके चल रहे हैं तो कैशबुक का जस्ट अपोजिट करना है। देखिए, हमने चेक इश्यू किया, कितने रुपए का चेक इश्यू किया? 6,000 रुपए का। तो जैसे ही हमने चेक इश्यू किया तो हमने हमारी कैशबुक को तो रिड्यूस कर लिया, हमारी कैशबुक हो गई कम, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक कम नहीं हुई, तो पासबुक एज इट इज है। तो अगर हम कैशबुक लेके चलते तो कैशबुक को बढ़ा देते, लेकिन हम पासबुक लेके चल रहे हैं इसलिए पासबुक को कम कर लेंगे। कंक्लूजन यह है कि जब हम कैशबुक लेके चलते हैं तो चेक नॉट प्रेजेंटेड को ऐड करते हैं, और जब हम पासबुक लेके चल रहे हैं तो चेक नॉट प्रेजेंटेड को लेस कर देंगे। तो पहले का ट्रीटमेंट होगा दोस्तों हमारा ये चेक नॉट प्रेजेंटेड, कितने रुपए का है? 6,000 का, तो 6,000 को माइनस हम कर लेंगे, ओके। दूसरा ट्रांजेक्शन कह रहा है, द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड 8,000 एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बट नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, उसको कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो उससे पासबुक बढ़ गई, कैशबुक नहीं बढ़ी। पासबुक बढ़ चुकी है लेकिन कैशबुक नहीं बढ़ी, तो
पासबुक को वापस कम कर दो क्योंकि हम पासबुक लेके चल रहे हैं, इसलिए डिविडेंड क्रेडिटेड बाय जो डिविडेंड क्रेडिट किया है बैंक ने उसके लिए। अब कैशबुक में इसको ऐड करते हैं, पासबुक में इसको लेस कर लेंगे, कितने 8,000 रुपीज ये लेस कर लिए। तीसरे ट्रांजेक्शन पे बात करते हैं दोस्तों, तीसरा ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस 400 पर नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। ये सीधा सिंपल है, बैंक चार्जेस को हम कैशबुक में लेस करते हैं, इसमें ऐड कर देंगे बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस बैंक से तो कट गए लेकिन पासबुक से कैशबुक से नहीं कटे, इसलिए पासबुक में वापस जोड़ दो इनको। अ चेक फॉर रुपीज 6,000 वॉज डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक नॉट कलेक्टेड, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कैशबुक इंक्रीज कर ली पर अभी कलेक्ट नहीं हुआ, तो पासबुक इंक्रीज नहीं हुई तो पासबुक को अब इंक्रीज कर देंगे। चेक नॉट कलेक्टेड कितने रुपए से 6,000 के, बस हमने अपोजिट किया, नॉट प्रेजेंटेड कैशबुक में ऐड करते हैं या लेस किया, डायरेक्ट डिपॉजिट या डिविडेंड कलेक्टेड वहां ऐड करते हैं कैशबुक में या लेस किया, बैंक चार्जेस कैशबुक में लेस करते हैं ऐड किया, और नॉट कलेक्टेड कैशबुक में माइनस करते हैं या प्लस किया। बैलेंस उसी तरह से लगा लेंगे 56,400 और 14,000, तो साइड कौन सी बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है, तो इधर ही बैलेंस आएगा 42,400 और इस बैलेंस को दोस्तों हम करेंगे बैंक बैलेंस या बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक। कैशबुक का बैंक बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक भी लिख सकते हो और बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक भी लिख सकते हो। अगर हम बैंक बैलेंस लेके चलेंगे पासबुक में तो ये करना पड़ेगा, अगर हम ओवरड्राफ्ट लेके चले तो क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों ज्यादा अंतर नहीं है। ओवरड्राफ्ट अगर लेके चल रहे हो तो आपको करना क्या है, बस जैसे ये एग्जाम्पल है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 50,000, तो हमें यहां लिखना है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना है 50,000, ये लिखा 50,000, सॉरी ये तो ओवरड्राफ्ट है तो ये लिखा 50,000। बस अंतर यही है कि अगर बैलेंस लेके चल रहे हो तो प्लस में और ओवरड्राफ्ट लेके चल रहे हो तो माइनस में, बाकी ट्रीटमेंट वही करना है हमें। ट्रीटमेंट किन किन चीजों का, कैसे कैसे, चेक नॉट प्रेजेंटेड है तो चेक नॉट प्रेजेंटेड को पासबुक में क्या करते हो, तो वही करना है, चेक नॉट प्रेजेंटेड को पासबुक में हम लेस करते हैं। तो यहां पर दिखा देना है फर्स्ट ट्रांजेक्शन चेक नॉट प्रेजेंटेड 6,000, तो हमें पहली लाइन में तो ध्यान रखना है, यहां पर पहली लाइन में क्या ध्यान रखना है कि ये कैशबुक है या पासबुक, सॉरी ये बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट, बैलेंस है तो इधर, ओवरड्राफ्ट है तो इधर, बस बाकी नीचे वाले ट्रांजेक्शन में क्या लेना है, ये कैशबुक है या पासबुक है, कैशबुक है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट, पासबुक है तो उल्टे ट्रीटमेंट। दूसरी वही लाइन है जो ऊपर थी, बैंक ने डायरेक्टली डिविडेंड कलेक्ट किया, कैशबुक में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कितने रुपए की 8,000, तो वहां भी हमने इसको लेस किया था डिविडेंड क्रेडिटेड बाय बैंक कितने 8,000। ट्रीटमेंट वही होगा क्योंकि हम पासबुक लेके चल रहे हैं। तीसरा ट्रांजेक्शन था हमारा बैंक चार्जेस 400, बैंक चार्जेस को हमने ऐड किया था क्योंकि इससे क्या हुआ, पासबुक तो कम हो गई थी, कैशबुक कम नहीं हुई थी, तो कैशबुक कम नहीं हुई तो हम कैशबुक को भी कम हम कर लेते हैं, सॉरी कैशबुक को तो कम नहीं करेंगे, पासबुक को, बैंक चार्जेस पासबुक को भी हम बढ़ा लेते 400 से। इसके बाद चेक 6,000 का डिपॉजिट किया बट कलेक्ट नहीं हुआ, नॉट कलेक्टेड, चेक नॉट कलेक्टेड को ऐड करते हैं, चेक नॉट कलेक्टेड ऐड किया 6,000, बस डिफरेंस क्या आया, यहां भी ये दोनों माइनस थे और ये दोनों प्लस थे, यहां पर भी यही हुआ, क्या हुआ कि ये दोनों माइनस किए है, ये दोनों प्लस किए है, बस अब आपको बैलेंस लगाना है, बैलेंस लगाना है मतलब ये ओवरड्राफ्ट हुआ या क्या हुआ, तो 64,000 तो इधर की टोटल आ रही है और इधर की टोटल आ रही है
6400, तो ये हो गया 57600, और ये हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, सॉरी कैशबुक, पासबुक तो हम लेके चले थे, एज पर कैशबुक आप इसको क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकते हो और ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हो। तो हम कैशबुक का बैलेंस लेके चलेंगे तो पासबुक का आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि कैशबुक का ओवरड्राफ्ट, सॉरी पासबुक का ओवरड्राफ्ट लेके चले तो कैशबुक का बैलेंस आएगा या ओवरड्राफ्ट आएगा, कुछ भी आ सकता है। ओके, कि कैशबुक का ओवरड्राफ्ट लेके चलेंगे तो पासबुक का बैलेंस भी आ सकता है, ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है, और पासबुक का कोई भी बैलेंस लेके चले, ओवरड्राफ्ट लेके चले तो कैशबुक का बैंक बैलेंस भी आ सकता है और ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है। तो दोस्तों यहां पर हमने बीआरएस में चार कंडीशनों में, दो पे पहले हम बात कर चुके थे, कैशबुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस है, पासबुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस है, ये चारों बातें हमने कर ली है दो अलग अलग वीडियो में। अगर इनमें कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।